प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बात करेंगे MTNL के बारे में, क्या यहां पर खरीदने का मौका बन सकता है? काफी बीटन डाउन स्टॉक है, जनवरी 14 को क्या टेक्निकल व्यू बन रहा है? अगर मार्केट करेक्ट होता है तो यह स्टॉक गिरेगा और खरीदने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको। अगर लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं तो होल्ड करके रखिए, तभी लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। पिछले एक साल में अगर आपने इसको होल्ड करके रखा है तो शायद 22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट लग रहा है कि ये जो रीजन बन चुका है अब इसका, यहां से 22 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में, 18 रुपए के बीच में, ये काफी अच्छा कंसोलिडेशन ऑन टाइम करेक्शन हो चुका है इसमें, तो ये अब पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए तैयार है। जैसे ही इसका भाव 30 के ऊपर चला तो ये बहुत जल्दी 100 तक पहुंच सकता है। इस बात को समझिएगा दोस्तों, ये जो टाइम करेक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक में, पेशेंटली वेट करना होता है आपको। तो जैसे ही अगर ये डिप करता है, राइट लेवल क्या होंगे डिप करने पर वो बताएंगे, वहां पर आपको फर्दर एक्यूमुलेट करना चाहिए ये स्टॉक अगर आप 3 साल तक का होराइजन रख रहे हैं। 4G विल ब्रिंग न्यू लाइफ टू द पैक्स और यहां पर इसकी बाय रिकमेंडेशन है। हालांकि 4G का जो प्लान है इनका वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ 2023, और साथ साथ जैसा आपको पता ही होगा ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में दिल्ली में वहां पर साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नेटवर्क 2 हफ्ते तक बंद हो गया था। अब ये नेटवर्क को वापस सिक्योर करने के लिए कंप्यूटर फैसिलिटी डिपार्टमेंट ने यहां पर इनकी जो फैसिलिटी है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको बात की है, और यहां पर ओपन इंटरनेट सर्विसेज आर क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर रिसर्च एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, दी सर्विस शैल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम MTNL ऑन अ रीजनेबल रेंट एंड मेंटेन बाय रेस्पेक्टिव यूजर्स डिपार्टमेंट विद इन देयर रेस्पेक्टिव रिसर्च फंड एंड अप्रूव। तो ये इनको यहां पर एडिशनल रेंट मिलने की बातें चल रही हैं जो इनके लिए पॉजिटिव रहेगा हमारे हिसाब से। अब अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में क्या पॉजिटिव हो सकता है, तो देखिए यहां पर गवर्नमेंट का सबसे पहली बात जो है, गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर लेके आ सकती है, और यहां पर अगर एडिशनल फंड्स यहां पर दिए जाए गवर्नमेंट के द्वारा इसके एक्सपेंशन के लिए और साथ साथ में 5G के लिए प्रोक्योर करने का जो इनकी है प्लान आगे 4G के बाद में, तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये 2 चीजें हैं जो बीटन डाउन स्टॉक को अपटिक लेके जा सकती हैं। यहां पर इन्होंने अभी फिलहाल एक स्लाइट नेगेटिव न्यूज है, जो 35 करोड़ का इनका इंटरेस्ट है वो यूनियन बैंक को अभी तक दे नहीं पाए हैं, which was due to be paid by earlier, और ये थोड़ा सा इनके लिए चैलेंज बन सकता है। आगे डेप्ट की जो पोजीशन है वो करीब करीब के आसपास है, जो इसको थोड़ा सा नेगेटिव बना सकता है यहां पर हमारे हिसाब से। यूएस मार्केट में अगर टेक्निकल सेल ऑफ चलता है तो हाई वैल्यूएशन स्टॉक नीचे गिरेंगे और ये फिर से शायद 20 के आसपास जा सकता है, जहां इसकी बहुत बढ़िया वैल्यू बाय बन रही है हमारे हिसाब से। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं ये आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर लगा के रख सकते हैं। टाइम पर धीरे धीरे पैसा लगाइएगा, 3 अलग अलग लेवल पर हम हमेशा बताते हैं, और 2% ज्यादा आप इसको निवेश करने की सलाह नहीं देंगे। इसका टेक्निकल भी देखें तो 25.85 रुपए पर ये बंद हुआ था MTNL का भाव कल, अच्छा मोमेंटम चल रहा है, 50-day मूविंग एवरेज और 200-day मूविंग गोल्डन क्रॉसओवर दिखाया है, और यहां से अब ये हमारे हिसाब से अगर मोमेंटम इसका सही रहा तो सबसे पहले 30 रुपए का टारगेट रहेगा यहां से आने वाले 1 महीने के अंदर में। वॉल्यूम अगर देखें MTNL का, तो MTNL का वॉल्यूम करीब 29 मिलियन शेयर, यहां पर करीब करीब 13 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं इस बार, और साथ साथ में एलिगेटेड डिग्री बेसिस पर कल इसने बाय सिग्नल एमर्ज किया, तो टेक्निकली काफी अच्छा मोमेंटम है। एक 28.60 रुपए का रेजिस्टेंस है, अगर क्लोजिंग बेसिस पर ये क्लोज होता है तो सुपर ट्रेंड भी इसको बाय सिग्नल बनाएगा, RSI 54, जो कि यहां से थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम और ऊपर रखने को रिकमेंड कर रहा है। मैकडी अभी भी सेल सिग्नल है, बट सेलिंग की ग्रेविटी अगर देखें तो यहां पर ग्रीन कैंडल बनने शुरू हो गई है, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है। बुलिंजर बैंड के मिड लेवल पर है, इसका अपर लेवल 28 से 30 के बीच में इसको बहुत जल्द पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब ये थोड़ा सा चार्ट दिखेगा, 1 आवर का चार्ट है, अगर 1 आवर के चार्ट पर देखें तो कल अच्छा मोमेंटम था, पहले 4 घंटों में मोमेंटम बढ़िया था, और ये इसने एक बढ़िया सपोर्ट लेकर यहां से एक ट्रेपेजॉइड पैटर्न बनाना शुरू किया है। हमारे हिसाब से ये इसको ब्रेकआउट के लिए दिख रहा है यहां पर, देखिए 2 बार इसने अटेम्प्ट किया, पहला यहां पर, फिर यहां पर, इस बार फिर से जब ये 27 रुपए के आसपास आएगा तो सीधा बढ़कर 30 और उसके बाद में शायद 50 के ऊपर ट्रिगर करेगा। अगर दोनों में से कोई भी इवेंट, जैसा हमने आपको पहले वीडियो में बताया है, वैसा हो जाता है तो इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा हमारे हिसाब से। ट्रेडिंग करिए, बेल ड्रॉप करें।